हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, इस दवाई को खाने से पहले ध्यान रखें ये 10 बातें। पर इससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई लोग होम्योपैथिक दवाइयों का ट्रीटमेंट लेते हैं, इसे खाने से पहले और बाद में कुछ ज़रूरी सावधानियाँ रखनी चाहिए। अगर इनका यूज़ सही तरीके से ना किया जाए तो ये बॉडी पर असर नहीं दिखाती हैं। होम्योपैथिक दवाइयों से संबंधित 10 सावधानियाँ। खुले में ना रखें इन्हें। होम्योपैथिक दवाइयों को कभी भी खुले में ना रखें, इन्हें ठंडी जगह पर रखें और दवाई खाने के बाद ढककर बंद कर दें। हथेलियों पर ना लें। होम्योपैथिक गोलियों को खाने के लिए कभी भी हथेलियों पर ना निकालें, इससे उनमें मौजूद स्प्रिट खत्म हो जाती है जिससे दवा का असर कम होता है। 10 मिनट तक कुछ ना खाएं। होम्योपैथिक दवा खाने के 10 मिनट पहले और बाद में कुछ भी ना खाएं। नशा ना करें। होम्योपैथिक दवा खाने के पहले और बाद में किसी भी तरह का नशा अवॉइड करें। नशे में स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट होते हैं जो दवा के इफेक्ट्स को कम करते हैं। धूप में ना रखें। होम्योपैथिक दवा को धूप में ना रखें, इससे दवाई का असर कम हो जाता है। अन्य दवाइयों के साथ ना करें। होम्योपैथिक दवाई को आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाइयों के साथ ना करें, इससे दवाई की पावर कम हो जाती है। खट्टी चीज़ें अवॉइड करें। होम्योपैथिक दवा लेने के बाद किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ें ना खाएं, इससे दवा का असर कम होता है। किसी और की दवा ना खाएं। किसी और व्यक्ति के जैसी बीमारी आपको हो तब भी उसकी दवाई आप ना खाएं। दवाई का निवारण और निर्धारण बीमारी के साथ साथ अन्य बातों से भी होता है। चाय या कॉफ़ी अवॉइड करें। होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते वक्त चाय या कॉफ़ी ना लें, इससे दवा का इफेक्ट कम होता है। कुल्ला करें। होम्योपैथिक दवा खाने से पहले अच्छे से कुल्ला करें या जीभ साफ करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, प्लीज़ उस पर क्लिक करना ना भूलें। मिलती हूँ फ्रेंड एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए हेल्थी रहें, फिट रहें, खुश रहें। बाय बाय।